क्या बोले? इधर सुन, ये लाइट ऑन कर दो। रिंग भर दिए थे इसमें ब्लैक में, मुंह दबा हुआ है। टाइम ज्यादा हो गया, लाइट की कमी रह रही है क्या? देखो तो लाइव आकर के आएगा, अब आएगा यहाँ पब्लिक करने दो ना। नहीं दिख रहा है? नहीं हाँ तो दिख रहा है कि भाई लाइव आ चुका है। ओहो हो, दूसरा चैनल खोल दिया। आ जाओ, सभी बच्चे लाइव आ जाएं जल्दी से। और हमारा स्टार्ट होने वाला लेक्चर, हम लोग लेट ना करें। जो बच्चे आ रहे हैं वो आकर के हाय कमेंट करें, चैट बॉक्स में हाय बोलो जल्दी से। जो जो आ रहे हो शेयर कर देते हैं। हेलो अर्तिका,
जो लोग आ गए हैं वो गुरु आके जल्दी से चैट बॉक्स में हाय कमेंट करो जल्दी, टाइम नहीं लगाइए। हेलो मलिक रियाज, हेलो आलिया, ऑल गुड मलिक, ठीक हो? कोरोना में पार्टी वार्टी खूब चल रहा होगा? मलिक पार्टी में कोई कमी नहीं करता है क्या मलिक? सही है। बाकी बच्चों को जल्दी से बुला लो, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज से एक्चुअल में आपको जो 12th में जो आप लोग का लेक्चर होता है वो मिलेगा आप लोगों को। बेसिक्स का सारा काम हो चुका है, कल हम लोग हालांकि स्टार्ट कर चुके हैं। मलिक के लिए नॉर्मल डे इन ऑफिस है, पार्टी करना। आजा भाई, सभी आ गए? सभी बच्चे आ गए क्या? आशीष अंकल हेलो, ठीक हो? जल्दी से बाकी बच्चों को कमेंट कर दो, जल्दी से लिंक भेज दो भाई, स्टार्ट करेंगे अब अपन। कल मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ाए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, ये ना पता चला था, अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सर इज दिस फर्स्ट सेशन? श्री लक्ष्मी श्री, एक्चुअली देखो बच्चा, हम लोग जो बेसिक्स पढ़ना था 11th का वो हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके हैं। अब जो है एक्चुअल में ढंग से स्टार्ट हुआ है, जो 5 लॉज होते हैं मेन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में, वो हम लोग अब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा छूटा नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स फिर भी देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। इस लेक्चर को आप अटेंड करोगे बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जो कि थोड़ा ढंग से। गुड आफ्टरनून शशि, शैल वी स्टार्ट? मैं नहीं था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देख भाई ऐसा तो नहीं होता है ना, हालांकि मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, लेकिन लेक्चर अगर आप सेंड कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि सर फिर से बताइए, फिर तो वो उतना पॉसिबल नहीं है बाबू, है ना? अब स्टार्ट करें? ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा ये बताओ कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, ये तो डिस्कस किए थे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस क्या होता है कोई बच्चा बताएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस क्या होता है प्लीज बताइए, जिनको आता है वो प्लीज बताएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस क्या होता है जल्दी, जिनको आता है वो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताओ। कल तो अपन स्टार्ट किए थे ना, जिनको आता है वो जल्दी से कमेंट करे, टाइम नहीं लगाओ। जिनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस आता है वो जल्दी से कमेंट करे। मास कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट, एटम्स की बात नहीं है भाई, बाप रे बाप, तूफान मचा दोगे तुम लोग, ठीक है? ध्यान देते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं एक बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। According to law of conservation of mass, the total mass in a reaction remains conserved. That is, the total mass of reactant is equal to total mass of product. ये कहता है। Example के तौर पे हम लोग बताए थे, मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन करता है, CO2 बन जाता है। तो by mass इसका बताओ कितना होगा? रिएक्शन से पहले मास कितना है? इसका 12 और एक ऑक्सीजन का एटम होता है 16, 16 टू 32। तो टोटल मास क्या हो गया रिएक्शन से पहले? 44। और रिएक्शन के बाद देखो तो 12 + 32 = 44। देखो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो है मास क्या अपना बराबर ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2 + O2। ध्यान देना क्या हो रहा है इसमें, H2O बनता है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो। जब आप बैलेंस करोगे तो क्या आएगा? देखो एक हाइड्रोजन का मास होता है 2 और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल ले लिए,
ठीक है, तो टोटल इसका मास होगा 2 2 4 4, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 16 2 32, तो 4 + 32 कितना हो गया 36। और इधर देखना 2 times किसके आलेंगे H2O का, H का 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 + 16, तो 2 times अब क्या आ जाएगा 18, तो 36। देखो रिएक्शन से पहले टोटल मास 36, रिएक्शन के बाद टोटल बाद जो है टोटल मास कितना रह गया 36 रह गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक मास कंजर्व रहा। क्लियर बात है, एटॉमिक मास में लें या ग्राम में लें, सर देखो भाई ग्राम क्या होता है, ग्राम देखो ग्राम जो तुम बोल रहे हो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर बात है, मॉलिक्यूलर मास एएमयू में निकालते हैं क्या ग्राम में निकालते हैं, देखो भाई मॉलिक्यूल की मास की बात आ रही है, अगर हम लोग इनिशियली अगर ग्राम एटॉमिक मास लेके काम कर रहे हैं तो उसका जो निकलेगा मॉलिक्यूलर मास वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, अगर हम लोग एएमयू ले रहे हैं शुरू में तो बाद में भी एएमयू ही लिखना पड़ेगा। अब ध्यान लो, मान लो सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सारा यूनिट हम लोग एएमयू में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखेंगे 36 AMU, यहाँ पे 36 AMU लिखेंगे, ग्राम लिखते हो ग्राम, इसलिए हम लोग क्लियर नहीं किए हैं, तुम एएमयू में लो या ग्राम में ले लो, एएमयू में ले लो या ग्राम में ले लो। ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टोटल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात है, अब भाई जो समझो, अगर आपको लग रहा है कि प्रमोशन कर रहा है बंदा तो वही मान लो, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेनी यूनिवर्स को अब प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट पूर्णिया में, ठीक है लोग जान रहे हैं, ठीक है तो ब्रेनी यूनिवर्स को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, वो जिसका जो स्टूडेंट होता है ना वो खुद सबसे बड़ा प्रमोटर है। ठीक है चलो अब हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो इसके एक्सेप्शंस हैं। क्लियर बात है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो उसके एक्सेप्शन है, उसमें टोटल मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बराबर नहीं होता है, क्योंकि वो मास जो है एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट हो जाता है, ये हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर बात है, अच्छा ये बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया था, कोई बच्चा कमेंट करे, कमेंट करके बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सही बताना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, जल्दी बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास, भाई मोलर मास होता है 1 mole का मास और मॉलिक्यूलर मास होता है 1 molecule का मास, मोलर मास एटम के लिए भी ले सकते हैं और मॉलिक्यूल के भी ले सकते हैं, 1 mole का मास जो होगा वो मोलर मास होगा और मॉलिक्यूल का अगर मास लेंगे सपोज H2O का मास है मेरे पास H2O, ठीक है H2O का मास बाय डिफॉल्ट हो जाएगा भाई 2 + 16 = 18, ठीक है ना, इसको तुम लोग बोल दोगे मोलर मास ऑफ वाटर बोल सकते हो तुम लोग या मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बोलो, वहीं पे अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा, ठीक है तो ऑक्सीजन का मोलर मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चलो 16 लिख दिए, इसको मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल है क्या, मोलर मास जो होता है ना, मोलर मास जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है हाँ, और हाँ लाइफवाइजर का स्पेलिंग से लाइफवाइजर नहीं है लाइफवाइज है, इसका स्पेलिंग सही करेंगे, ठीक है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया था, लाइफवाइज ये दिया था, पारस उम्मीद है आप लोग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो अब हेडिंग लगाएंगे, सेकंड हेडिंग होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर बात है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अ केमिकल कंपाउंड कॉमा नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन टेकन, अ केमिकल कंपाउंड आप लोग साथ के साथ कॉपी रखो और लिखो, ठीक है नोट साथ के साथ बन जाएगा, क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अ केमिकल कंपाउंड कॉमा देके लिखना, नो मैटर
फ्रॉम विच सोर्स, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन टेकन, इट विल कंटेन द सेम एलिमेंट. It will contain the same element combined together. In a fixed ratio by mass. कहते हैं law of definite proportion क्या कहता है, a chemical compound no matter from which source it has been taken, it will contain the same element combined together in a fixed ratio या फिर proportion by mass. कहता है कि law of definite proportion ये कहता है कि अगर कोई भी हम chemical compound ले रहे हैं, अगर हम लोग कोई भी केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो केमिकल कंपाउंड हम कहां से ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जो जो एलिमेंट होंगे जो कंबाइंड होगा उसका जो रेशियो होगा वो लगभग सेम होगा. क्लियर बात है? नहीं समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, एक काम करो, यहां पे अभी कितने बच्चे लाइव है मैं बता रहा हूं, देखता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, अभी हमारे पास लाइव दिख रहा है शशि कुमार, शशि कुमार दिख रहा है, शशि कुमार, पारस अकाड़े, आशीष संकल्प, आलिया जमा, आलिया जमा और वाजदा तबस्सुम, जितने भी बच्चे हैं एक बात बताना, एक ध्यान समझना, मान लो मैं शशि कुमार के घर से लिया एक लीटर पानी, ठीक है, मान लो एक लीटर पानी लिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल पानी ले लिया उसका, ठीक है, शशि कुमार के घर से, ठीक है, फिर हम गए आशीष के घर, उसके घर भी हम जाके एक लीटर पानी ले लिए, फिर हम इर्तका यासीन के घर गए, उसके घर भी एक लीटर पानी ले लिए, फिर मान लो मलिक रियाज के घर के बगल में एक नदी है उससे पानी ले लिए, या फिर मान लो तीन चार जगह से हम अलग अलग जगह से ले रहे हैं, हम लोग केस बनाते हैं मान लो, ठीक है, मान लो हम शशि कुमार के घर से एक पानी ले लिए एक मोल, ठीक है, मान लो हम आलिया जमा के घर से पानी ले लिए, ठीक है, मान लो मलिक रियाज के घर के बगल में क्या है आपका एक पॉन्ड है वहाँ से पानी ले रहे हैं, और इर्तका जो है इर्तका यासीन आपके यहाँ होगा, इर्तका के घर से, घर नहीं अब इर्तका का एक नदी है, इर्तका के पापा बहुत अमीर है बहुत, वो एकदम पूरा नदी खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो ये सबके घर से अपन पानी ले रहे हैं, तो बताओ हर जगह पानी का फॉर्मूला H2O होगा क्या, हर जगह पानी का फॉर्मूला H2O होगा, हाँ, और बाय मास देखना रेशियो निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का मास 16, दो सोलह, दो सोलह, दो सोलह हो रहा है क्या, देखो तो H और O का जो रेशियो होगा, H और O का रेशियो बाय मास 2:16 होगा, जब इसको तुम ओवरऑल क्लियर करोगे 2:16 को तो वो कुछ 1:8 आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा, बोलो बच्चा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग बाय मास अगर रेशियो निकालेंगे तो 2:16 आएगा, यानी ओवरऑल 1:8 आएगा, क्या आएगा ना, हम पानी कहीं से भी ले रहे थे, ठीक है, हर जगह रेशियो क्या आ रहा है बाय मास 1:8 आ रहा है, यही तो रूल है, समझ गए बात को, क्लियर बात है, तो यही हमारा रूल है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड है नो मैटर हम किस सोर्स से किस सी सोर्स से ले लें, उसमें जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइंड होगा. क्लियर बात है, क्लियर बात है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और गाइस अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, जिनको जिनको समझ में आ रहा है लाइक बटन दबाओ, क्लियर है, वाटर का रेशियो बाय मास हर जगह सेम रहेगा, क्लियर बात है भाई, अरे बोलो समझ गए, होगा नहीं सेम, बोलो बच्चा, बोलो सेम होगा कि नहीं होगा, बहुत अच्छा, तो उसके नीचे के एरो देखे एक पॉइंट लिख लो, दिस लॉ वॉज गिवन बाय ब्रॉनस्टेड, दिस लॉ वॉज गिवन बाय ब्रॉनस्टेड. आज हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है बच्चा, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्लियर बात है, चलो इसको जल्दी से लिख लो आप लोग,
चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे अपनों, एक क्वेश्चन लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो। शशि कैरीड आउट टू एक्सपेरिमेंट्स, शशि कैरीड आउट, बेटा अभी सबर करो, अभी मज़ा आएगा, अभी दिखना, अभी मज़ा क्या होता है, अभी मज़ा समझ में आएगा, अभी टेंशन मत लो ना। आज का क्वेश्चन सारा बना के दिखाना, हम भी देखते हैं मज़ा, ठीक है। लिखो, शशि कैरीड आउट टू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। शशि कैरीड आउट टू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बर्निंग आउट मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नोटेड दैट, एंड नोटेड दैट एक्सपेरिमेंट में होता है 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग गिव्स 0.4030 ग्राम ऑफ MgO, 0.4030 ग्राम ऑफ MgO। क्लियर बात है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था उसका। फिर कहता है एक्सपेरिमेंट टू है उसका, 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग गिव्स 0.302 कर दो ग्राम ऑफ MgO, then show that the above reaction follows law of definite proportion या फिर ratio। कहता है दो एक्सपेरिमेंट करता है कोई बच्चा, ठीक है, ध्यान देना बच्चा, बहुत मजा आएगा। कहता है दो एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है कि 0.243 ग्राम मैग्नीशियम लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके 0.4030 ग्राम MgO बना दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 0.182 ग्राम लिया मैग्नीशियम का और उसको बर्न करने के बाद 0.302 ग्राम MgO निकला, ठीक है। तो आपको ये शो करना है, आपको ये शो करना है कि ऊपर वाले रिएक्शन में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो रहा है। अगर किसी बच्चे से हो जाए तो बताना। आशीष अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ भाई, देखूं मैं भी, ठीक है। मलिक रियाज, उमेर खान, आशीष संकल्प, पारस अकाड़े, आलिया जमा, इर्तका याशीन, शशि, जल्दी करके दिखाओ, करके दिखाओ, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ये क्वेश्चन बनना चाहिए भाई। जिनका बन जाए वो जल्दी से कमेंट करे, जिनका बन जाएगा वो जल्दी से कमेंट करो। गाइस सभी लोग मिल करके 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर करवाओ जल्दी से, फिर मुझे लाइव बटन तब मिलेगा तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव आ सकूंगा। और जो आपके आसपास में फ्रेंड है जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट नहीं रहे हुए हैं उन तक भी वीडियो को शेयर करो। और ये क्वेश्चन जल्दी से बना लो, ये क्वेश्चन जल्दी से बना लो, मैं भी देखूं। और जो भी बच्चे आते हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो यार, बीच में कॉन्सेप्ट छोड़ के चले जाओगे वो फ़ायदा नहीं होगा। क्लास 11th में कोई कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होना है, प्लीज़। और इसके अलावा अपना एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप देखिएगा, टेलीग्राम में जाके आप सर्च करना केमिस्ट्री दुनिया सालिक सर, ठीक है। मैं लिंक आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाना और जाकर के आप आराम से आप उसमें जाके अपने डाउट्स को भेज सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। टेलीग्राम आप लोग इंस्टॉल कर लेना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, बनाओ। जिनसे हो गया वो जल्दी बताए, किसी से होगा क्या, किसी बच्चे से होगा तो बताओ।
चलो नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। आजा भाई, रिएक्शन क्या हो रहा है बताना। मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन कर रहा है किससे? मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है भाई? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। और क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो रिएक्शन को। क्या ये बैलेंस हो गया? ध्यान देना बच्चा, ये हमारे पास आपके पास क्या एक रिएक्शन आपको दिख रहा है। ओके ना। चलो, ये रेशियो निकालना था, गलत है रेशियो में, बिल्कुल रेशियो, शायद ये सही है, देखना होगा, शायद सही है। देखो भाई, एक्सपेरिमेंट वन क्या कह रहा है। ये मार्कर बदल देना, ये बेकार मार्कर, इसमें पानी वानी आ रहा है। रुक जा बच्चा, देखो भाई एक्सपेरिमेंट वन क्या है मेरा। तुम लोग पहला लॉ याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? टोटल मास रिमेंस कंजर्व। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ तो? पहले रिएक्शन में दिया 0.243 ग्राम मैग्नीशियम लिया। क्या लिया? 0.243 ग्राम मैग्नीशियम लिया, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। और क्या बना रहा है? MgO बना रहा है 0.4030। तो ऑक्सीजन क्या होगा? टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, वो बराबर होना चाहिए। तो ये में से अगर ये घटा दोगे तो इसका मास निकल जाएगा क्या? तो निकालो, इसका मास क्या हो जाएगा? 0.4030 माइनस